गाइस व्हाट इज अप, और यहां पे हमारे पास है मीवी ड्यूपोर्स A25 और करने वाला है इसका अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू। एक बात जो है मैं अभी से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और मींस जो अमेजोन है उसके ऊपर यहाँ पे बेस इफेक्ट के ऊपर काफी सारा अटेंशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो भाई देखेंगे वीडियो में क्या इसके अंदर बजट के अंदर आपको बेस इफेक्ट अच्छे वाला मिलता है या नहीं। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे जाके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो प्रजा हियर, वेलकम टू चैनल ईटेक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों ये अवेलेबल है काफ़ी सारे कलर्स में और यहाँ पे कभी कभी 1200 रुपीज़ में भी ये डील में आपको मिल जाता है। तो परचेज लिंक भी मिल जाएगा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। तो हमने ऑर्डर किया है फ्रॉम अमेजोन, कुछ इस तरीके से पैकिंग में आता है। कट कर देते हैं यहाँ पे और बॉक्स को यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। सो ये है मीवी ड्यूपोर्स A25 और जो बॉक्स है जहाँ पे मेजर स्पेसिफिकेशन रहते हैं वहाँ पे हमें मिल गया है स्टिकर। तो भाई लेटर हमने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन को अलग से मेंशन किया है। तो कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाता है, पीछे से यहाँ पे ओपन करना है और स्लाइड करके यहाँ पे बाहर निकालना है। तो वो डब्बे वाला अनबॉक्सिंग यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल जाता है 1 ईयर वारंटी कार्ड, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ईयरबड्स विद द चार्जिंग केस, USB टू टाइप सी चार्जिंग केबल एंड एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। तो भाई आपको इतना मिल जाएगा फ्रॉम द अनबॉक्सिंग। सो दोस्तों बात कर लेते हैं मेजर स्पेसिफिकेशन के ऊपर। ये आता है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ, ड्राइवर साइज 10 mm, सिंगल चार्ज के ऊपर 7.5 आवर्स का यहाँ पे प्लेबैक मिलता है, टोटल 30 आवर्स का। वेट जो है काफ़ी लाइट वेट है 3.5 ग्राम और यहाँ पे डीप बेस इफेक्ट प्रोवाइड किया गया है। तो देखेंगे ये सारे पॉइंट्स को। तो कुछ अगर बात करें लुक एंड बिल्ड क्वालिटी की तो कुछ इस तरीके से मिलता है। पीछे आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे पूरा जो मटेरियल है भाई वो एक्चुअली प्लास्टिक मटेरियल है, मेटल यहाँ पे नहीं मिलता है। और मैग्नेटिक टाइप यहाँ पे चार्जिंग केस मिल जाता है, जब भी ईयरबड्स को निकाल के आप वापस रखोगे तो यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर भी ऑन हो जाता है। अगर बात करें ईयरबड्स के लुक की तो आपको पता है ये काफ़ी सारे मीन्स मिलते जुलते हैं एप्पल के एयरपोर्ट्स प्रो से। स्टेम डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ पे टिल्टेड है तो आप ऐसा बोल सकते हो। सबसे नीचे यहाँ पे आपको माइक जो है वो मिल जाता है और पीछे यहाँ पे आपको चार्जिंग डॉट्स भी मिल जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे लगेंगे अगर आप यहाँ पर ईयर टिप्स को रिमूव कर दो तो, काफ़ी एंगुलर यहाँ पे लगते हैं। अगर बात करें यहाँ पर वेट की तो 3.5 ग्राम और हमारे पास जो वेट स्केल है वहाँ पर दिखाता है 4 ग्राम, काफ़ी हल्का है। तो जब आप इसे वियर करोगे तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा एंड डेफिनेटली आप इसे रनिंग के लिए, जिमिंग के लिए या तो फिर वर्कआउट के लिए यूज़ कर सकते हो। ये कुछ भी कर लो ये फॉल आउट नहीं करेगा, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको ग्रिपिंग यहाँ पे मिल जाता है। फर्स्ट टाइम मोबाइल के साथ कनेक्ट करना गाइस काफ़ी ईजी है। ईयरबड्स को बाहर निकाल लीजिए, ब्लूटूथ में जाना है, सर्च न्यू डिवाइस और पेयर करना है। और हाँ यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है, बैटरी परसेंटेज तो दिखाता ही है लेकिन अंदर और भी ऑप्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑडियो भी सपोर्ट करता है ये। वन मोर अमेजिंग थिंग अगर बोले तो भाई यहाँ पे आपको टच कंट्रोल मिलता है। ये जो एरिया है वो टच कंट्रोल है, यहाँ पे प्रेस कंट्रोल यानी बटन कंट्रोल नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लगा, आप सिंगल टैप से यहाँ पे जो वीडियो है उसे प्ले या तो फिर पॉज कर सकते हो। अगर आप डबल टैप करोगे तो वीडियो हो जाएगा नेक्स्ट एंड सिमिलरली अगर लेफ्ट के ऊपर डबल टैप करोगे तो वो हो जाएगा प्रीवियस। अगर आप यहाँ पे ट्रिपल टैप परफॉर्म करते हो तो ये वेकअप कर देता है वॉइस असिस्टेंट को। तो भाई सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये आता है IPX4 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ, तो हल्की फुल्की रेन के अंदर या तो फिर स्वेट के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइज अगर बात करें यहाँ पे लेटेंसी को लेके तो भाई ऑनलाइन वीडियो या तो फिर आप क्लासेस कर रहे हो तो भाई ये सूटेबल है, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। लेकिन गेमिंग के अंदर थोड़ा सा हल्का सा माइनर लैगिंग आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे iOS तो काफ़ी स्मूथ चलता है लेकिन एंड्रॉयड के अंदर थोड़ा सा लैगिंग आपको यहाँ पे फील होगा गेमिंग के अंदर। अगर बात करें यहाँ पे चार्जिंग की तो आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और जैसे आप यहाँ पे ओपन कर दे तो अंदर चार्जिंग सिंबल यानी कि LED जो है वो भी यहाँ पे ब्लिंकिंग मिल जाएगा। बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे 6 to 7 आवर्स का यहाँ पे सिंगल टाइम के अंदर बैटरी लाइफ मिल जाता है और विथ हेल्प ऑफ चार्जिंग केस 30 आवर्स तक आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो काफ़ी कूल है ये अंडर दिस प्राइस रेंज। अगर बात करें यहाँ पे कॉलिंग फीचर की तो भाई काफ़ी स्टैंडर्ड कॉलिंग क्वालिटी है, ऐसा नहीं है एनवायरमेंट नॉइज़ कैंसलेशन यहाँ पे नहीं मिलता है लेकिन आपका आवाज़ क्लियर जाता है सामने वाले के पास। हाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड जो नॉइज़ है वो मिक्स हो जाता है लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस ये कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है।
वन मोर टेस्ट हमने यहाँ पे जो परफॉर्म किया है वो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस, आगे जो वीडियो बनाया था एयरबड्स मिनी का, तो भाई इतना मुझे मज़ा नहीं आया था ड्राइविंग में, लेकिन भाई ये काफ़ी तगड़ा वाला है, कम्प्लीटली विंड आइसोलेशन मिलता है और थोड़ा भी यहाँ पे कनेक्टिविटी का इश्यू नहीं मिलता है, तो कंटिन्यूसली आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो भाई सबसे बेस्ट है ये ड्राइविंग के लिए। अगर फाइनली बात करें यहाँ पे कॉन्स एंड प्रोस के लेके, तो भाई प्रोस काफ़ी सारे हैं। सबसे पहला जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो है मेड इन इंडिया, प्राइस रेंज काफ़ी लो है, कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी सही वाली मिलती है और बैटरी बैकअप भी काफ़ी एकदम तगड़े वाला मिलता है। ये आता है IPX4 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ। तो भाई काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोज है, साउंड क्वालिटी की बात हम करेंगे लास्ट में। अगर बात करें यहाँ पे कॉन्स को लेके, तो भाई एक ही यहाँ पे अभी तक मुझे कॉन लगा है और वो है यहाँ पे लैगिंग इश्यू इन द एंड्रॉयड मोबाइल फॉर द गेम। अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हो एंड्रॉयड के अंदर, तो आपको यहाँ पे थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं कैसा है इसका साउंड क्वालिटी है। तो भाई मीन्स बजट के हिसाब से तो भाई काफ़ी सुपर यहाँ पे आपको बेस इफेक्ट मिलता है, जो बेस इफेक्ट के ऊपर जो पूरा अटेंशन है वो यहाँ पे फुलफिल होता है। अगर आप एक बेस लवर हो तो भाई इसका साउंड जो है वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। 1500 रुपये के अंदर ही आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे साउंड वाला ट्रू वायरलेस ईयरबड मिल जाता है। और हाँ, ट्रेबल और मिड टोन्स भाई काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है और आपको यहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा स्टीरियो इफेक्ट में भी, तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको बेस यानी एनहेंस बेस ज़्यादा पसंद है तो भाई। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए एक बार मार दीजिए।